सोलन में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन पर जन जागरण अभियान का आरंभ सोलन से हुआ। इस अभियान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और समाज न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सोलन में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन पर जन जागरण अभियान का आरंभ सोलन में हुआ है। इस अभियान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस अभियान के तहत लोगों को बताने का प्रयास किया गया कि भारतवर्ष बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। भारत नीति आयोग का हवाला देते हुए शांता कुमार ने बताया कि देश में 60 करोड़ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से 2 लाख लोग हर साल मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किन प्रमुख नगरों में 2020 तक पीने का पानी नहीं मिलेगा। चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार ने इस मौके पर एक नया नारा दिया, हम दो हमारे दो और सबके दो। उन्होंने इस नारे के साथ ही एक मांग की है कि इसको लेकर जल्द कानून बनना चाहिए और अगर कानून नहीं बनता है तो देश के हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर सरकार अपने आप कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए देशवासियों में जागरूकता लाने की जरूरत है। बढ़ती आबादी इस देश की बड़ी भयंकर समस्या है। बढ़ती आबादी के कारण गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सारी समस्याएं बढ़ रही है। देश की सभी जरूरत समस्याओं की जड़ में बढ़ती आबादी की समस्या है और उस समस्या का समाधान बहुत ज़रूरी है। उस समस्या पर इस प्रकार का जन्म जागरण करने का प्रयत्न बड़ा सराहनीय है। मैं यहाँ के उन आयोगों को उसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। बनना चाहिए कानून, कानून के बिना नहीं हो सकता है और कानून बनेगा। जो नई सरकार आई है वो बुनियादी समस्याओं के समाधान की कोशिश कर रही है, इसीलिए जिसको असंभव मानते थे लोग वो 370 खत्म हो गई, तो इस किस्म की और जो समस्या है उनका भी समाधान होगा। लेकिन सरकार ये करे उसके लिए जनता को जन में जागृत करना चाहिए और उस दिशा में यहाँ आज ये पहल हुई है बहुत महत्वपूर्ण कदम। तो ये था दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।